आज हम इंट्रोडक्शन टू सीएसवी पढ़ने जा रहे हैं पाइथन में। अब देखो ये जो वीडियो है इसमें सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि सीएसवी फाइल कैसे बनती है और उसमें रीड और राइट के कौन कौन से फंक्शंस का यूज़ किया जाता है। अगले वीडियो में बताऊँगा कि राइट कैसे काम करता है और रीड कैसे काम करता है। सबसे पहले सीएसवी क्या है। सीएसवी है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ अ सिंपल फाइल फॉर्मेट स्टोर टेबुलर डेटा सच एज स्प्रेडशीट और डेटाबेस इन द फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमा सेपरेटेड। कॉमा से सेपरेटेड वैल्यूज हैं, मतलब जितने भी वैल्यूज हैं उनके बीच में देखो ये कॉमा लगा हुआ है जिसको यहाँ पर सेपरेटेड हुआ है। कॉमा जिसे इज डिलिमिटर बोला जाता है, ठीक है, इज अ डिलिमिटर। अब इसमें जितनी भी चीज़ें प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में होती है और सारे के सारे जो है वो कॉमा से आपके कॉमा लगे होते हैं जिसके हिसाब से हम अपनी अपनी वैल्यूज़ को अलग अलग कर देते हैं कि ये वैल्यू है, ये सेकेंड वैल्यू है, ये थर्ड वैल्यू, मतलब कॉलम के हिसाब से हम उस वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमा साइन ही होता है, अगर आप कुछ भी पास नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कॉमा साइन जाता है, लेकिन डिलिमिटर हम चेंज भी कर देते हैं। हम चेंज करने में कोई भी हम और भी साइन जो यहाँ पर दिए हुए हैं वो भी यूज़ करते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट डिलिमिटर जो होता है वो कॉमा का साइन ही होता है। मैं इस पर इसलिए ज़्यादा कह रहा हूँ क्योंकि जितने भी सैम्पल पेपर आ रहे हैं उसमें डिलिमिटर का बहुत यूज़ हुआ है, तो मैं अगले वीडियो में डिलिमिटर के बारे में बात करूँगा कि इसका क्या यूज़ है। सबसे पहले हम बात करते हैं जब CSV हम फाइल बना रहे हैं या उसको रीड कर रहे हैं तो क्या फंक्शन यूज़ होता है, क्योंकि वो भी MCQ में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको याद रखना है कि अगर हमें CSV में काम करना है तो हमें इम्पोर्ट CSV को करना पड़ेगा, जो क्या है एक मॉड्यूल है जिसके थ्रू हम सारे फंक्शंस को यूज़ करते हैं। तो आपको सबसे पहले लाइन जो है इम्पोर्ट CSV लिखनी होगी स्मॉल लेटर्स में। अब आता है कि हम CSV फाइल को रीड और राइट मोड में कैसे ओपन करेंगे। तो देखो रीड और राइट मोड में कैसे ओपन करेंगे, अगर ये मैं वहाँ पर देखो मैंने लिखा फाइल हैंडलिंग लिखा, इसका मतलब क्या है, हम फाइल हैंडलिंग की बात कर रहे हैं तो टेक्स्ट फाइल बाइनरी फाइल की बात कर रहे हैं। तो जैसे तुम फाइल हैंडलिंग में टेक्स्ट और फाइल को और बाइनरी फाइल को ओपन करते हो वही मेथड जो है वो इसमें भी यूज़ होता है। आप फाइल को राइट मोड में वैसे ही W यूज़ करके कर सकते हो, आप रीड मोड ओपन करना है तो आप R करके, मतलब W मतलब राइट हो गया, R मतलब रीड हो गया। अब ये W और R है क्या, एक्सेस मोड है। बस इतना ध्यान रखना है कि ये टेक्स्ट फाइल या बाइनरी फाइल का क्वेश्चन नहीं है, तो जो भी फाइल बनेगी उसका जो नाम है वो आपका .csv करके बनेगा। फाइल का नाम दोगे और .csv लगाओगे इसका राइट। अब अभी कोई अभी आप कहोगे ये पूरा तो हमने लिखा ही नहीं, हाँ ये अभी आधा ही है, इसमें मैंने पूरा नहीं करा, इसमें और भी चीज़ें आती हैं वो मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि क्या। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि फाइल ओपन कैसे होती है रीड मोड में और राइट मोड में। अब अगर हमें फाइल को राइट मोड में ओपन करना है तो देखो पहली लाइन तो हम इंपोर्ट की लिखेंगे वो मैंने यहाँ पर लिखी, लेकिन समझ गए रहो कि ऊपर मैंने इंपोर्ट की लाइन ली, और जो सेकंड लाइन है वो एफ इक्वल्स टू ओपन फाइल नेम करोगे .csv के W मोड में। देखो W मोड का मतलब हुआ एक्सेस मोड हमारा कौन सा है, राइट में है। अब जो हमें इसको करना है तो हमारे को csv डॉट, इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन बनेगी वो csv डॉट राइटर होगी। तुम्हारे इसमें एक क्वेश्चन आएगा केस स्टडी का जिसमें ये लाइंस मिसिंग होंगी, तो आपको याद रखना है जब भी फाइल राइट मोड में ओपन हो रही है तो हमें csv डॉट राइटर यूज़ करना है एफ ओपन के बाद। तो उसमें ये क्या करता है, कन्वर्जन करता है यूज़र डेटा को राइटेबल फॉर्म में। किसके राइटेबल फॉर्म में, csv के राइटेबल फॉर्म में, वहाँ पे कन्वर्ट करके, जिससे वो डेटा जो है csv फाइल में जाएगा। तो csv डॉट राइटर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद जब हम राइटर का यूज़ कर लेते हैं, ये देखो इसका सिंटेक्स है, आप इस तरह से लिखोगे, आपने एक राइटर ऑब्जेक्ट बनाया, इक्वल टू करा csv डॉट राइटर लिखा और फाइल ऑब्जेक्ट कौन हुआ, ये जो f लिखा हुआ है, आप इसको ये वाला f, ये जो f लिखा है उसको यहाँ लाओगे। जैसे देखो एग्जाम्पल में लिखा डेटा इक्वल्स टू csv डॉट राइटर f। अब जब ये हो जाएगा तो इसके बाद हमें उसके अंदर क्या करना है, रिकॉर्ड्स को एंटर करना है। वो रिकॉर्ड्स किस फॉर्म में हो सकते हैं, लिस्ट में भी हो सकते हैं, टपल के फॉर्म में भी हो सकते हैं, हम उसको इनपुट भी करवा सकते हैं, वैसे भी रख सकते हैं। और उसको तो मैंने देखो एग्जांपल में लिखा है, मैंने जो राइटर ऑब्जेक्ट बनाया था डेटा नाम से, देखो वही मैंने यहाँ लिखा है डेटा डॉट राइट रो, और उसके अंदर देखो स्क्वायर ब्रैकेट बना रखा है, ये लिस्ट है जिसमें तीन वैल्यू हैं, तो ये आपके ये तीन के तीन जो वैल्यूज़ हैं ये डेटा किसके अंदर ट्रांसफ़र कर रहा है, किसके थ्रू, कहाँ जा रही है, इस राइटर के थ्रू इस फाइल नेम डॉट csv के पास जा रही है। अब ये तो हो गई एक रिकॉर्ड की बात, अगर आपको को कहता है कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, बहुत सारे रिकॉर्ड है उनको ट्रांसफ़र करना है, तो इसमें एक और फंक्शन होता है उसका नाम है राइट रोज़। ये मल्टीपल रो को एक ही बार में ट्रांसफ़र कर देता है, मतलब आपके पास अगर एक लिस्ट है उसके अंदर भी इंटरनल लिस्ट बनी हुई है और बहुत सारे उसके अंदर रिकॉर्ड है और सारे के सारे रिकॉर्ड आप एक बार में उसके अंदर ट्रांसफ़र करने हैं, तो राइट रोज लिखोगे वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स को एक बार में आपकी फाइल जो csv फाइल है उसके अंदर उसे ट्रांसफ़र करेगा। अभी अगले
वीडियो में मैं ये भी दिखाऊंगा कि कैसे होता है सब। ये देखो मैंने यहाँ पर बना भी रखा है, अगर हम एक फाइल के एक रिकॉर्ड को हमें एंटर करना है तो देखो ये वो तरीका है, मैंने पूरे स्टेप लिख रखे हैं कि ये इस तरीके से वो जो वैल्यू है वो राइट हो जाएगी और वो जा कर के स्टोर हो जाएगी किसके अंदर, स्टूडेंट डॉट सी एस वी के अंदर। देखो जा रही है, मैंने पूरी लाइन लिखी। अब देखो ये मैंने इसलिए बीच में लाइन खींच रखी है कि अगर पेपर में ये इस तरह से लिख के आ गया तो ये इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ है। ये यहाँ पर देखो यहाँ पर भी फाइल ओपन हो रही है और क्लोज़ हो रही है और राइट हो रहा है, राइट रो से रिकॉर्ड उसके अंदर जा रहा है। यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है, हमने स्टूडेंट करके यहाँ पर देखो वही सी एस वी फाइल यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी वही राइटर आपका क्या कर रहा है, डब्लू जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू हमारी फाइल जो है राइट रो के अंदर स्टूडेंट डॉट लिस्ट ट्रांसफ़र हो रही है। बस इसमें एक चीज़ याद रखो, विद ओपन में क्या होता है कि जब हम फाइल को किसी फाइल को ओपन करते हैं तो इसमें क्लोज़ नहीं लिखना होता, ये ऑटोमेटिकली खुद क्लोज़ कर देता। तो अगर फाइंड द एरर का भी क्वेश्चन आ गया तो कोई ऐसा मत करना कि नीचे से आपने जाके एफ डॉट क्लोज लिख दिया, कोई ज़रूरत नहीं होती, खुद ही फाइल को क्लोज़ करता है। लेकिन ये जो लेफ्ट वाला है इसमें हमें अगर हम फाइल को ओपन कर रहे हैं हमें क्लोज करना ही होगा। अब हम बात करते हैं जब हमने राइट मोड में कर लिया तो रीड मोड में क्या हो रहा है। रीड मोड में हम जो रिकॉर्ड्स हैं जो उस फाइल के अंदर रखे हुए हैं उसे इटरेटेड मेथड के थ्रू, इटरेशन क्या होता है, लूप्स होता है, हम सारे रिकॉर्ड्स को वहाँ से रीड करेंगे और वन बाय वन हम उसे डिस्प्ले कराएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कब जब हमें रीडिंग करनी है और डिस्प्ले करा रहे तो हमेशा ऑब्वियस ही बात है एक्सेल मोड हमारा कौन सा होगा, आर होगा, मतलब हम रीड कर रहे हैं डेटा को, रीड कर रहे हैं। तो देखो वहाँ राइटर था, यहाँ रीडर हो जाएगा, तो वही चीज़ है, उसको आप ऐसे याद करो, वहाँ पर हमारा राइटर है तो यहाँ रीडर है, रीडर कौन हुआ, रीड करने वाला रीडर। तो वही चीज़ हो रही है, हम रीड कर रहे हैं किसमें से, सी एस वी के अंदर से, हम उसको लेके आ रहे हैं। तो देखो ये इसका तरीका है सिंटेक्स लिखने का। आप जो फाइल, अब ये फाइल ऑब्जेक्ट कौन हुआ, ये एफ हुआ, और सी एस वी डॉट रीडर फाइल ऑब्जेक्ट ने क्या करा, इस रीडर के थ्रू जो रीडर ऑब्जेक्ट बन रहा है, हमने देखो यहाँ पर फिर से बना के दिखा दिया, डेटा इक्वल्स टू सी एस वी डॉट रीडर एफ, तो एफ का थ्रू डेटा में आ गया। और ये डेटा अपने अंदर सारे रिकॉर्ड रखे हुए हैं जो किसके अंदर थे, जो फाइल आपने ओपन करी है उसके अंदर। अब आपको उन सारे रिकॉर्ड्स को अगर वर्टिकली डिस्प्ले करके दिखाना है तो हमने क्या करा, फॉर रेक इन डेटा प्रिंट रेक, तो ये रेक क्या करा, एक एक करके जो डेटा है उसके अंदर से रिकॉर्ड को ले रहा है और आपके सामने यहाँ प्रिंटेड करते जाते हो। एक रिकॉर्ड आया, ये ऊपर हेडिंग्स हो गई वो उसके अंदर होंगी, फिर उसके बाद एक और रिकॉर्ड आया वो डिस्प्ले हुआ, तो आपकी जो है रिकॉर्ड ऐसे आगे करके जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो डिस्प्ले होते जाएंगे। मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे होता है सब, किस तरह से जा रहा है डेटा और क्या हो रहा है, क्योंकि केस स्टडी आएगी तो आपको पता होना चाहिए एक एक लाइन, जो भी मिसिंग लाइन होगी तुम इसी तरीके से भरोगे। तो याद रखो यही स्टेप्स होते हैं, कहीं रीडर की लाइन नहीं आएगी, कहीं पर फॉर की लाइन नहीं आई होगी, कहीं पर आपकी इंपोर्ट सी एस वी की लाइन मिसिंग होगी, तो उन्हीं को ही आपको भरना है। ये देखो ऐसे करके आपका रिकॉर्ड आ रहा है। देखो मैंने ओपन करा, नीचे क्लोज करा, अंदर रूप चला, आपका एक एक रिकॉर्ड आपके इसमें आरसी में जा रहा है, आरसी के थ्रू आपका रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया आ रहा है, और आर ने क्या करा, आपका रीडर का ये जो ऑब्जेक्ट बन गया है, इस आर के अंदर सारे रिकॉर्ड है और इसने यहाँ से इसके अंदर आरसी में ट्रांसफर करा, एक एक करके रिकॉर्ड आ रहा है और वो वर्टिकली उसको डिस्प्ले